सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि मोमिन पूरा हमेशा एक अहम रोल निभाया है इलेक्शन में। मोमिन पूरा तू पता है किसको तख्त पे बिठाना है और किसको तख्त से उठाना है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल की है। अफसोस ये होता है कि जब ये सब चीज मालूम होते हुए भी हम लोग ऐसे कायद को सपोर्ट करते हैं जो पिछले 5 साल अपने फेलियर्स को बताते आए हैं। 5 साल हम लोग उनके ऊपर कंप्लेन करते आते हैं, मगर जब 5 साल होने के बाद ऐसा पैसे दिखाते हैं वो कंप्लेन भी भूल जाते हैं हम लोग। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. मैं अशोक साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो एक ऐसा माहौल बनाए यहां पर जहां पर हम सबको एक जगह मौजूद करकर अपनी बात रखने का मौका मिला। खास तौर पर मैं मोमिनपुरे के हमारे माओ बहनों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गए बार हम लोग मोहतरमा गणेश मैडम फातिमा को यहाँ पे जिता कर लेकर आए, इसी उम्मीद से कि मोमिनपुरे में जिस तरह मरहूम खमर उस्लाम साहब हमेशा सपोर्ट करते आए हैं इसी तरह ये बार भी सपोर्ट करेंगे। मगर आप गलत थे, गए से 5 साल मुसलसल हम लोग ग्राउंड पे काम किए, मुसलसल इश्यूज को एड्रेस करते आए हम लोग। क्या हम मौजूदा गणेश मैडम फातिमा को इसलिए जिता के लाए कि कोरोना वायरस कोविड के टाइम पे जब मोमिनपुरा लॉकडाउन हुआ सीलडाउन हुआ बहुत उम्मीद लगा के रखे थे हम लोग के कोविड के टाइम पे मोमिनपुरे में मोहतरमा का ध्यान बहुत ज्यादा होगा, पर मोहतरमा गणेश मैडम फातिमा यहाँ पे भी नाकाम है। ये मोमिनपुरे का इतिहास था जो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को बात करते हुए मीटिंग करते हुए हम लोग यहाँ पर हमारे मसले मसाइल को हम लोग ठीक किए। मैं गुलबर्ग के अवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो ये इलेक्शन हो रहा है इलेक्शन में हम कितना सीरियस है, आखिर हम लोग चाहते क्या हैं? ये जो इलेक्शन होता है ये इलेक्शन हम लोगों के लिए नहीं, ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन रहता है। आप लोग बताइए कि आप आने वाले वक्त में आपके बच्चों के मुस्तकबिल को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं आप? 500, 1000, 5000, 50000 लाख रुपए में अपने वोट, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि वोट आपकी माँ है, वोट आपकी बहन है, वोट आपका ईमान है। आज हम लोग हमारी वोट की कीमत लगाकर ऐसे नाकारा लीडर्स को चुन के लेकर आते हैं जो हमारे मसले मसाइल में कभी नहीं ठहरता। कांग्रेस जताती है कि ये मुसलमानों की रहबर है। 70 साल की हुकूमत में आप ये गलत फहमी से निकल जाइए कि 70 साल की हुकूमत में कांग्रेस कभी मुसलमानों की रहबर नहीं रही। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल की है। हिजाब का मामला आया, कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार कहते हैं कि हिजाब के मामले में कोई मुसलमान लीडर उस पर आवाज नहीं उठाएगा। एस टी कुमार स्वामी जनता दल पार्टी वाहिद एक ऐसा लीडर जो अपने बैनर पे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कंडम करता है और माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है। कौर रक्षा का बिल पास हुआ वो वक्त पे भी कांग्रेस खामोश, झटका हलाल कट की बात है खामोश, और हम लोग अफसोस ये होता है कि जब ये सब चीज मालूम होते हुए भी हम लोग ऐसे कायद को सपोर्ट करते हैं जो पिछले 5 साल अपने फेलियर्स को बताते आए हैं। मुसलसल 5 साल हम लोग पुकारते हैं कि फलाना खायद ये नहीं किए, फलाना खायद वो नहीं करे, पूरे 5 साल हम लोग उनके ऊपर कंप्लेन करते आते हैं, मगर जब 5 साल होने के बाद ऐसा पैसे दिखाते हैं वो कंप्लेन भी भूल जाते हैं हम लोग। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बार सोच समझ के आप वोट दीजिए, इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। मस्जिदों को जलाया जा रहा, कुरान शरीफों को जलाया जा रहा, औलिया इकराम और दरगाहों की बेहरमती की जा रही, कई सारे मसले मसाइल चल रहे, मगर हम वोट के पैसे कितने मिलेंगे, तोड़ी कितनी होंगी तोड़ी, ये हमारी सोच है।
मुसलसल हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। 18 साल के बच्चे जो वोट डालने के काबिल हुए, आज वो बच्चे हर पार्टी में जाकर अपनी बोली लगा रहे वोट की। क्या ये तरबियत दिए? अगर आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करते, आप लोग वोट बगैर पैसों के डालते, तो आज आपका बच्चा ये पार्टियों में फिरकर अपने वोट की वैल्यू नहीं बताता था, अपने वोट की कीमत अपने ईमान की कीमत नहीं लगाता था। आज हम लोग एजुकेशन सेक्टर में पीछे है। गुलबर्गा में 40% एजुकेशन पीछे हो गया हमारा। क्यों पीछे हो गया? गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज बेहतर नहीं है यहाँ पर, मजबूरन हम लोगों को प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना पड़ता। मत का काम था ये, हुकूमत का काम था ये, मोहतरमा गणेश मैडम का काम था ये कि आप लोगों को रोजी अता करे। मोमिनपुरे में 5 साल जिता के लेकर आए, मोमिनपुरे में एक बार खत्म नहीं रखे उन्होंने। हाल ही में एक बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा है यहाँ पर खाड़ी बोड़ी पे, छत गिरने से उनका इंतकाल होता है। मोहतरमा आए, टीम के साथ है, 5 लाख रुपए का चेक दिया, बहुत अच्छा काम करे। मगर कच्चे मकान पक्के मकान बना दी कि जब स्कीम आई, अगर वो स्कीम इंप्लीमेंट होता शायद वो छत ना गिरता और वो बुजुर्ग की जान बचती थी। जब ये स्कीमें आते हैं तो स्कीम के फायदे क्यों नहीं दिलाते आप लोगों को? कच्चे मकान पक्के मकान बनाने की स्कीम है, रोजगारी की स्कीम आती, सिलाई मशीन की स्कीम आती, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप की स्कीम आती, किताबें बुक्स कॉरपोरेशन में आते, वो तक बेच के खाते हैं ये लोग। हमारा मसला ये है कि हम जानना नहीं चाहते, हम लोग जानना नहीं चाहते कि ये लोग करते क्या है। मैं खासतौर पर मोमिनपुरे के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस बार सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि मोमिनपुरा हमेशा एक अहम रोल निभाया है इलेक्शन में। मोमिनपुरा को पता है किसको तख्त पे बिठाना है और किसको तख्त से उठाना है। इस बार नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, मेरी माँ बहनों याद रखिए, ये इलेक्शन आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। ये इलेक्शन तय करेगा कि आपके बच्चे आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। ये इलेक्शन तय करेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा। ये इलेक्शन तय करेगा कि गुलबर्गा में पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा या ना रहेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मोमिनपुरे की आवाम से, इस बार हम लोग पूरे लोग मुतहिद होकर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को वोट करेंगे और उनको जिता के लाएंगे।